अस्सलामु अलैकुम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे शबे कद्र की रातों में आपको कितनी रकत नमाज किस तरह से पढ़नी है। जी हाँ दोस्तों, शबे कद्र की रात में आपको पढ़ी जाने वाली तमाम नमाज हम आज इस वीडियो में बता देते हैं। नंबर एक है रिस्क में बरकत के लिए ये दो रकत नमाज पढ़ें। नियत इस तरह से करेंगे, नियत की मैंने दो रकत नमाज नफिल शबे कद्र की रिस्क में बरकत के लिए वास्ते अल्लाह ताला के रुख में काबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर सना पढ़ें, औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ें, सूरह फातिहा एक बार पढ़ें, आयतल कुर्सी एक बार पढ़ें और सूरह इखलास 15 बार पढ़ें। पहले रकात के रुकू सजदे कंप्लीट करें और दूसरे रकात भी इसी तरह से पढ़ें। आम नमाज की तरह पूरी नमाज कंप्लीट करें और आखिर में 100 बार दुरूद पाक पढ़ें। नंबर दो है अजाब कब्र से छुटकारा पाने के लिए 8 रकात नमाज नफिल पढ़ें। 4 रकात की नियत करके आपको ये नमाज पढ़नी है। नियत करें, नियत की मैंने 4 रकात नमाज नफिल शब कद्र की अजाब कब्र से छुटकारे के लिए वास्ते अल्लाह ताला के रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाह अकबर सना पढ़ें, औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ें, सूरह फातिहा एक बार पढ़ें, सूरह इखलास 10 बार पढ़ें, रुकू और सजदे कंप्लीट करें। दूसरी, तीसरी और चौथी रकात भी आपको इसी तरह से पढ़नी है। नंबर तीन है लंबी उम्र और मुसीबतों से छुटकारा पाने के लिए 6 रकात नमाज, ये नमाज आपको दो दो रकात करके पढ़नी है। नियत करेंगे, नियत की मैंने 2 रकात नमाज नफिल शबे कद्र की मुसीबतों से छुटकारा पाने के लिए वास्ते अल्लाह ताला के रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाह अकबर सना पढ़ें, औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ें, हर रकात में सूरह फातिहा एक बार पढ़ें, फिर कोई भी एक सूरत जो आपको याद हो पढ़ लें, रुकू और सजदे कम्प्लीट करें। हर रकात में बाद आपको सूरह यासीन पढ़नी है, 6 रकात नमाज कंप्लीट कर लेनी है। पहले दोस्तों अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक तमाम मुसलमानों को शबे कद्र की रात इबादत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।